What's up guys, sat sri akal, namaste, kya hal chal hai aap sabka? This is your friend Jagatjeet and you are watching Winnipeg Wale. Welcome to another video guys. तो आज है मंडे, आज हमने छुट्टी ले रखी है और छुट्टी हमने क्यों ली हुई है? Because it's Harpreet's birthday today. So guys, अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा और गुरुद्वारा साहब जाके मत्था टेक लेंगे एंड उसके बाद जो है आज का दिन शुरू करेंगे, फन करेंगे, मौज मस्ती करेंगे. वैसे तो हमारे दिन में हर दिन जो है वो पार्टी ही होती है, तो आज हम जो कुछ भी करेंगे वो आपके साथ एंजॉय करेंगे व्लॉग के थ्रू. तो चलते हैं, हरप्रीत एंड मेहर आर इन द कार, चलते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन. थोड़ी बहुत स्नो हो गई है, स्नोफॉल इतनी नहीं हुई है जितनी हवा के साथ आई है. ये बैठी है मेहर. हेलो मेहर. हेलो. एंड वो बैठी है बर्थडे गर्ल. हेलो गाइस, वी आर रेडी टू लीव. आज का दिन शुरू करते हैं. ये रही बर्थडे गर्ल, आप उसे विश कर सकते हैं. तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज का दिन. लेट्स गो. What's up guys, सत श्री अकाल, नमस्ते, क्या हाल चाल है आप सबके. सो गाइज, आज है सैटरडे और हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर. तो आज बात करेंगे गाइज थोड़ी बहुत जो इस समय रिस्ट्रिक्शंस को लेके और जो फ्रीडम कन्वॉय विनीपेग भी पहुंच चुका है उसके बारे में तो बात करेंगे, और साथ ही के साथ हमारे डेली रूटीन जो है, डेली के जो काम है हमारे रूटीन के, वो चलते रहेंगे. तो आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइज. वी आर गेटिंग रेडी एज यूजुअल. आज सैटरडे का दिन है तो ग्रोसरी का डे है, तो जाएंगे थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे और साथ में आपके साथ बात भी करेंगे. यस मेयर, व्हाट डू वांट टू से? दिस मॉमेज नेम इज लिली. लिली? लिली या लिली? या लिली? लिली. लिली, ओके. एज रूटीन कार स्टार्ट कर देते हैं. 15 मिनट लग जाते हैं कार को गर्म होने में. स्नो तो साफ करने वाली है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो अभी अगर नहीं भी करूँगा तो चलेगा, तो आके कर देंगे. तो इस समय का जो वेदर है दैट इज़ -19 degrees गाइस, लेकिन क्योंकि ज़्यादा हवा नहीं चल रही है तो इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन इट इज़ कोल्ड. तो इस समय मैंने चप्पल पहनी हुई है, बाहर आ गया हूँ मैं, तो थोड़ी देर के लिए घूम भी सकते हैं, इतनी देर में कुछ नहीं होता. और हल्की सी ये जैकेट पहनी हुई है, तो हल्की हल्की स्नो जो है अभी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है अभी, लेकिन इट्स नॉट दैट मच. तो अभी अगर आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी मेरे आगे, अगर आप नोटिस करेंगे बहुत बारीक बारीक स्नो आ रही है. तो या और अभी अभी मैंने ड्राइवर साफ कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो बार बार जब कभी क्या होता है सैटरडे संडे को कभी आ रहे हैं, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, तो थोड़ी देर के लिए अगर ड्राइवर पर भी खड़ी कर देंगे तो क्या बुरा है ना. तो इसलिए मैंने यहाँ पर साफ सफाई कर दिया, और अभी निकलने से पहले देखेंगे, या तो निकलने से पहले ही पीछे से भी साफ कर देंगे गैराज के पीछे से, या फिर जब आएंगे तब कर देंगे. इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ज़्यादा स्नो नहीं है वहाँ पे. और यह ये तो हमने देख ही लिया है यहाँ पे, तो मैं बस चलने के लिए जगह बनाते हैं, बाकी अब देख रहे हैं ढेर लगा हुआ है स्नो का, क्योंकि इतनी सारी स्नो निकाल के कहाँ यहाँ पे आस पास पे फेंकनी है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत है ना, तो आई एम लेजी पर्सन यू नो, तो इसको रहने दिया मैंने. अभी अंदर चल के वेट करते हैं, जूते वूते पहनते हैं. तो गाइज हम तो पूरी तरह से रेडी हैं, बस हरप्रीत रेडी हो रही है, मेहर इज़ रेडी, डैडी इज़ रेडी, यानी कि मैं रेडी हूँ, और बस जूते पहनने और निकलना है. कार गर्म हो रही है, कार स्टार्ट कर दी हमने. तो बात करते हैं गाइज, ये जो ट्रकर्स का कॉन्वॉय जो चल रहा है अभी, फ्रीडम प्रोटेस्ट हो रहा है जो ओंटेरियो में, काफ़ी इंटेंस है सिचुएशन. अभी मैं सुबह CBC और CNN देख रहा था और CTV पे भी आ रहा था. तो विंडसर ओंटेरियो में पुलिस बहुत ज़्यादा अरेंज कर दिया उन लोगों ने, वहाँ पे एनफोर्समेंट है, और वो लोग वॉक कर रहे थे टूवर्ड्स द प्रोटेस्टर्स एंड दे वर ट्राइंग टू रिमूव देम फ्रॉम द बॉर्डर क्रॉसिंग. तो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एनकाउंटर जो है थोड़ा सा इंटेंस लग रहा था,
बट जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इतने ज्यादा वो हार्मफुल नहीं नजर आ रहे हैं, सारे कोई आर्म्ड नहीं है, कुछ नहीं है, दे आर जस्ट होल्डिंग सम फ्लैग्स एंड थिंग्स द होर्डिंग्स और वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब देखते हैं। और अभी जो न्यूज है वो तो ये है कि विनिपेग एंड सराउंडिंग एरियाज में काफ़ी सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो प्लान्ड है, एंड पुलिस जो है विनिपेग पुलिस ने ये न्यूज़ में स्टेटमेंट दिया है कि ग्लोबल न्यूज़ को स्टेटमेंट दिया है कि वी आर अवेयर ऑफ द प्रोग्राम्स एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इन विनिपेग एंड सराउंडिंग एरियाज। तो वो उस पर ध्यान दे रहे हैं, पर वो लोग अर्ज कर रहे हैं कि प्लीज़ अवॉइड करो अगर आपको कोई ट्रैवल करना है डाउनटाउन एंड सराउंडिंग में विनिपेग में, तो न्यूज़ चेक करते रहो और सराउंडिंग का थोड़ा सा अलर्ट रहो क्योंकि कई जगहों पे थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो सकती है, तो वो आप लोग ध्यान में रखिए कहीं पे भी जा रहे हैं। तो बाकी अब चलते हैं, हम भी बाहर ही जा रहे हैं, देखते हैं कोई हमें डिस्ट्रप्शन मिलता है या क्या होता है। चलो जी, फौजें जा रही हैं अब ग्रोसरी करने के लिए, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा दिन। ऑलराइट गाइस, तो अब चल रहे हैं पहले स्टॉप पे और पहला स्टॉप है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट से लेंगे थोड़ा बहुत जरूरी सामान, उसके बाद प्रोबेबली चलेंगे कॉस्को। कॉस्को का कुछ नहीं है, इंडियन स्टोर। हाँ, आज कॉस्को का नंबर नहीं है, कॉस्को से हम आए थे लास्ट टाइम, आज जाएंगे वॉलमार्ट एंड देन जाएंगे इंडियन स्टोर। तो जी, वॉलमार्ट का काम तो हम करवा के आ गए हैं, ग्रोसरी ले लिया हमने, सब कुछ डाल दिया गाड़ी में, और अब हम आ गए हैं होम डिपो। होम डिपो क्यों आ गए हैं, क्योंकि हमें लेना है अपना शावर, वो हमें रिप्लेस करना है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शावर है उसमें हो रही है लीकेज। तो ये हम ले लेंगे यहाँ से फ्रॉम होम डिपो। लेने को हम वॉलमार्ट से भी ले सकते हैं, मगर ये जो चीज़ें हैं हार्डवेयर की और होम रिलेटेड, वो होम डिपो से बहुत अच्छी मिलती हैं और क्वालिटी का सामान मिलता है, तो इसलिए हम आ गए होम डिपो। और हो सकता है कि हम यहाँ से शॉवल भी ले लें, क्योंकि मेरा जो नेबर है ना, उन्होंने मुझे बताया कि एक जो स्ट्रेट वाला थोड़ा लंबा सा शॉवल होता है उसमें ज़्यादा इजीली शॉवल से स्नो क्लियर हो जाती है, तो वो देखेंगे अगर मिलेगा तो वो लेंगे। चलो चलते हैं। सो गाइज, हम आ गए हैं वापस। होम डिपो से काम हुआ नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो शावर्स मिल रहे हैं वो शावर सेट मिल रहे हैं, फॉसेट सेक्शन में देखकर आए हम, तो हमें सिर्फ रिप्लेसमेंट शावर हेड चाहिए, तो इसलिए अब यहाँ पे तो काम नहीं बना हमारा। तो अब चलते हैं, मे बी इंडियन स्टोर का काम करने के बाद होपफुली या तो हम सारे या फिर सिर्फ मैं जाऊँगा और एक बार वॉलमार्ट में दोबारा से नज़र मार लूँगा और शावर हेड और शवल दोनों देखेंगे। और अब चलते हैं, अभी तक हमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिला गाइज, तो अभी तक तो विनिपेग अच्छा खासा है, ट्रक वाले अभी पहुंचे नहीं है, ट्रकर प्रोटेस्ट, और अगर आई डोंट नो अगर वो कहीं और हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लेजिस्लेचर बिल्डिंग के वहां पे उनका स्पॉट है जहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था प्रीवियसली, तो पता नहीं, अभी विनिपेग पुलिस अपना काम कर रही है। और जस्ट बी सेफ और न्यूज़ और ट्रैफिक इंफॉर्मेशन चेक करके निकलो जहाँ पे भी जा रहे हो। तो चलो फिलहाल हम चलते हैं इंडियन स्टोर और फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइज, होम डिपो के बिल्कुल सामने है कैनेडियन टायर, पीछे देख रहे हैं आप,
तो हमने सोचा कि पहले कैनेडियन टायर आ जाते हैं, शवल देख लेते हैं और साथ ही में शावर हेड रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। अगर यहाँ से हमारा काम हो जाए तो फिर मुझे दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं अंदर, देखते हैं अगर हमारा काम यहाँ हो जाए और उसके बाद जाएंगे इंडियन स्टोर। हाँ जी गाइस, तो हम लोग आ गए हैं वापस और काम जो है थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी कुछ हो गया है। एक शवल के सिवा सारी चीज़ें आ गई हैं, शावर हेड भी ले आए हैं वो भी रिप्लेस कर देंगे और ग्रोसरी का जितना सामान चाहिए था सारा सामान मिल गया और सारा कुछ ले आए हैं हम। अब हरप्रीत रेडी कर रही है मैगी और वो खाएंगे, फिर एक बर्गर खाएंगे घर पर ही बनाएंगे और मज़े करेंगे। सो गाइज, आपको मैंने ये तो बताया कि ट्रक कॉन्वॉय जो है वो अब विनीपेग में भी काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं, ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने, पुलिस इज़ अवेयर ऑफ इट। और आप लोग कुछ भी अगर ट्रैवलिंग वगैरह के प्लान बनाते हैं, अगर ट्रैवलिंग का प्लान बनाते हैं तो प्लीज़ इंफॉर्मेशन जो है न्यूज़ चेक करके, ऑनलाइन चेक करके फ्री निकलना और एरियाज चेक करके निकलना कहाँ पर डिस्ट्रप्शन हैं या नहीं है। सो गाइज़, अब जो है मनीटोबा में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लिफ्ट हो रही हैं, अब काफ़ी कुछ इजी हो जाएगा। फरवरी 15 यानी कि ट्यूसडे से इफ़ेक्टिव है ये चीज़। अब जो गैदरिंग है, जो प्राइवेट रेजिडेंस पे जो गैदरिंग हुआ करेंगी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैपेसिटी पे। जो इंडोर पब्लिक गैदरिंग्स होंगी उसमें अप टू 50% अलाउड होंगे। एंड अगर जो भी प्रेजेंट हैं अगर वो फुली वैक्सीनेटेड हैं तो उसके लिए कोई फिर कैपेसिटी पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। सो रेस्टोरेंट्स और जो लाइसेंस परमिटेड फूड कोर्ट्स वगैरह हैं वहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, बट वहाँ पे 12 प्लस इंडिविजुअल जो हैं उनको फुली वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जो रिलीजियस सर्विसेज और इंडिजीनियस कल्चरल इवेंट्स हैं वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए। जो अनवैक्सीनेटेड 12 प्लस की इंडिविजुअल होंगे उनके लिए जो है लिमिट होगी 50% कैपेसिटी अप टू 500 पीपल। स्पोर्टिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे कोई लिमिट्स नहीं है और जो एज 12 टू 17 के जो वैक्सीनेशन प्रूफ भी नहीं दिखाने होंगे स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए। चिल्ड्रन कैंप्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड इफेक्टिव मार्च 1, 2022। और जो मास्क के बारे में हम सोच रहे थे, पता नहीं ये कब हटेंगे या नहीं हटेंगे, तो मार्च 15 तक ये रिक्वायर्ड है इंडोर गैदरिंग के लिए, इंडोर पब्लिक प्लेसेस पे। और मार्च 15 से यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेयर मास्क ऑल्सो। सो आई एम थिंकिंग कि बहुत ही जल्द हमें ऑफिस से ये नोटिस आने वाला है कि आ जाओ भाई, मार्च 15 से जो है वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाएगा एंड वी विल बी वर्किंग फ्रॉम ऑफिसेस। बिकॉज जैसे कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से तो अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं किसी तरह की कैपेसिटी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, दैट मींस ऑफिस में भी सारे ही काम कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई अनवैक्सीनेटेड होगा। तो देखते हैं, अब मुझे लगता नहीं है कि डेढ़ महीने से ज़्यादा कोई हमारे पास अब ज़्यादा महीना या डेढ़ महीना जो है हम वर्क फ्रॉम होम का मजा ले पाएंगे, उसके बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो जाएगा या फिर अब गोइंग फॉरवर्ड क्या चेंजेस आएंगे वो तो अब वक्त आने पे पता चलेगा। मार्च 15 से मास्क जो है कंप्लीटली खत्म, कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये अपडेट था, तो मनीटोबा वाले विनीपेग वाले सारे खुश हो जाओ, करो मजे। तो मैगी बन गई है, मेयर कर रही है एंजॉय और जैसे कि आप जानते हैं आईपैड के बिना वो कुछ नहीं खा पाती तो अपना शो लगा रही है। हरप्रीत भी बैठ गई है मैगी लेकर, अब हम करते हैं खाना पीना। सो गाइज, आज का दिन यही था, हमने आज आके जल्दी ही 5 बजे के करीब ही डिनर कर लिया था और अब मेहर डिनर कर रही है क्योंकि उसने उस टाइम पे खाया नहीं और आज का दिन ख़त्म है। आपको मैंने अपडेट दे दी थी ट्रक कॉन्वॉय के बारे में, फ्रीडम कॉन्वॉय के बारे में एंड जो मनीटोबा की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ईज हो रही हैं और मास्क रिक्वायरमेंट भी हट जाएगी जो कि मुझे तो लगा था अभी हमारे लाइफ में ऐड ही हो गया, ये नहीं हटने वाला, लेकिन देख लो ये रब के रंग है, अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आई गेस सारी जगह पे ही ईज हो जाएगा, तो ये फ्रीडम कॉन्वॉय जो है ये भी अपने आप ही एंड हो जाएगा क्योंकि उनका मैंडेट का कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं रहेगा। और इसके अलावा ठंड काफ़ी है,
तो जो लोग विनिपेग में हैं, मैनिटोबा में हैं, तो स्टे सेफ, अपने आप को संभालो, फैमिली को संभालो, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ड्राइव करते हैं, घर में हैं, तो कोई आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इफ़ योर जॉब और योर रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से आप एक्सपोज होते हैं बाहर ठंड में, तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली ड्रेसअप करो और अपना ख्याल रखो। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मेयर से भी करवा देता हूँ वरना वो फिर बाद में बोलेगी कि मेरे को बाय नहीं करवाया। मेयर बाय कर दो, वी आर एंडिंग द वीडियो।